एग्जाम, ग्रुप डीटी एग्जाम के सीबीटी 1 में आने वाले हैं। ये 40 क्वेश्चन मैं डेली लेके लिए आपके लिए लेके आता हूं, है ना। तो 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए, ज्यादा देर नहीं करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे ये 40 क्वेश्चन। मेरी कोशिश तो रहती है कि 30 मिनट में सॉल्व हो, थोड़ा सा टाइम ऊपर चला जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात होती है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलिए फिर जल्दी से सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आवाज प्रॉपरली आ रही नहीं आ रही, फिर मैं आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार सब लोग थम्स अप कर दीजिए। डॉली कुमार, एम मिश्रा, सागर, डीओ सागर, राकेश पासवान, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, आपका टाइम पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर है ना। चलिए फिर अटेम्प्ट कीजिए पहला क्वेश्चन और देखिए पहले क्वेश्चन में क्या आंसर सही होना चाहिए। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए और बताइए बताइए पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पवन कुमार, अक्षय, चंदन गुप्ता, सीता गौर, देवानंद, चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। और जितने भी लोग वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करते रहिए, साथ साथ फेसबुक भी ऊपर एक लिंक दी रही होगी, उस लिंक को क्लिक करके यूट्यूब में आ जाइए। डेली मैं आपके लिए 5 बजे जीटी जीएसटी प्रैक्टिस लेके आता हूँ, 40 क्वेश्चन का सेट लेके आता हूँ, है ना। जल्दी बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में कि कर्नाटक में? जल्दी बताइए, बात एन्नौर बंदरगाह की जा रही है, बताइए जल्दी से एन्नौर बंदरगाह किस क्षेत्र में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल की, कर्नाटक? जल्दी बताइए फटाफट, है ना। तो इसका जो सटीक आंसर है, अक्षय कुमार आई लव यू टू, यार तुम कैसी बात करते हो यार। चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो तमिलनाडु। तो ध्यान रखना एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। हर स्टेट में कौन सा बंदरगाह ये जरूर याद कर लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते बंदरगाह। तो पहले करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। भाई साहब सारे के सारे जितने बंदरगाह हैं वो सारे के सारे बंदरगाह आपको याद होनी चाहिए। आपके कितने पोर्ट हैं इंडिया में ये याद होना चाहिए, कौन सा पोर्ट सबसे बड़ा है, कौन से पोर्ट आपका मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया है, सारी बातें आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? आपका वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्पेस सोसाइटी? नेशनल स्पेस सोसाइटी का आपका मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से बताइए। दूसरे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है कि कायरो है कि वाशिंगटन डीसी है? जल्दी बताइए फटाफट, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिए जितने भी लोग हैं। तो ध्यान रखिएगा जो आपका इंडिया नेशनल स्पेस सोसाइटी है उसका जो मुख्यालय है सर वो वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में है। तो वाशिंगटन डीसी नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय। दूसरे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व कीजिए और बताइए तीसरे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये रहा आपके सामने, सॉल्व कीजिए जल्दी से, पढ़िए और बताइए कि तीसरे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पढ़िए जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब हाँ दूसरे का जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं वो सब लोग तीसरे का ए, तीसरे का बी, तीसरे का सी या फिर तीसरे का डी, इस फॉर्म में आपको आंसर देना है ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप लोग कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं भाई साहब, है ना। चलिए बताइए, कैंसर का अध्ययन कहलाता है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है, बताइए आपका कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो ध्यान रखना कैंसर का जो अध्ययन है वो कर्क रोग विज्ञान, अरे आपको याद हो जाना चाहिए कैंसर को ही तो कर्क रोग कहते हैं, तो कर्क रोग साइंस या कैंसर साइंस ही आपका कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना, बोलिए बात सब क्लियर है ना। तो उसका जो इंग्लिश है ना वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है गूगल से ट्रांसलेट करने में, आप उसमें ना जाइए, हिंदी देखिए, कर्क रोग विज्ञान ही कैंसर के अध्ययन को कहते हैं, है ना। तो तीसरे का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर चौथा ये रहा आपके सामने, सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर चौथे का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है कि वहां इंग्लिश बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, गूगल से ट्रांसलेट होता है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर चौथे का करेक्ट आंसर, हिंदी में कृष्णकाव्य, कृष्णकाव्य बोला जा रहा है, महान स्तंभ में बताइए, कृष्णकाव्य महान स्तंभ बताइए, मतलब वो बताना है आपको जो कृष्णभक्ति से जुड़े हुए, तो कृष्णभक्ति से केवल 80 इसमें से जुड़े हुए हैं, उनका नाम है सूरदास। सूरदास सबसे ज्यादा कृष्णभक्ति से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी, है ना, सूरदास सबसे ज्यादा कृष्णभक्ति से जुड़े। अच्छा राम भक्ति से पूछा था कौन सबसे ज्यादा जुड़े हैं, तो उसका सही आंसर होता तुलसीदास। तो तुलसीदास राम भक्ति से सबसे ज्यादा जुड़े हैं, जबकि कृष्ण भक्ति से सबसे ज्यादा जुड़े हैं सूरदास, चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा सॉल्व कीजिए और बताइए पांचवे का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए जल्दी से पांचवा क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी से। पहले सब लोग यार वीडियो को शेयर करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए। अरे सूरदास के बारे में आपने सुना नहीं है क्या यार? आंखों से अंधे थे है ना, बचपन से ही जितनी भी गीत लिखे, जितनी भी कविताएं लिखी, जितनी भी काव्य लिखे, सब भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखे है ना। सॉल्व कीजिए जल्दी से। हर्ष ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया? बताइए हर्ष ने अपनी जो राजधानी बनाई है वो किसे बनाई है? राजधानी पूछी जा रही है, ध्यान रखना। कन्नौज के पास का जरूर था, लेकिन उसकी जो राजधानी थी सर्वथा थानेश्वर है ना। तो कन्नौज के पास हर्ष रहते जरूर थे, लेकिन जो राजधानी थी मेन राजधानी वो थानेश्वर में थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है ना। तो पांचवे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्व कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर छठवा आपके सामने ये रहा, सॉल्व कीजिए। भारतीय रुपए का प्रतीक, अगर भारतीय रुपए का प्रतीक याद हो तो भारतीय रुपए का प्रतीक कुछ ये होता है। तो बोला जा रहा है भारतीय रुपए का प्रतीक निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी बताइए भारतीय रुपए का प्रतीक इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? बिल्कुल उपेंद्र रेड्डी जी, मैंने पीडीएफ डाल दी थी, पीडीएफ आप सबको मिल चुकी होगी। पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, आज ही मैं लिस्ट को आपका प्लेलिस्ट को फिर से अपडेट करता हूँ। और आज 11वां लेक्चर है और 11 लेक्चर तक पूरी पूरी प्लेलिस्ट एक साथ डलवा देता हूँ, ये काम मैं आज ही करता हूँ। क्लियर है ना। जल्दी बताइए छठवें का करेक्ट आंसर कौन सा है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे भारतीय रुपए का प्रतीक दिया था वो दिया था डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार ने ही भारतीय रुपए का प्रतीक दिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंफ्यूज ना होना, जी उदय कुमार गलत है, डी उदय कुमार सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ उदय कुमार ये सबको पता रहता है, लेकिन डी उदय कुमार है कि जी उदय कुमार, ध्यान रखना डी उदय कुमार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन फिर से मैं एक बार इसलिए लेके आया हूं ताकि ये क्वेश्चन आपको रट जाए, याद हो जाए, लगाइए। और किसी सिंगल पर्सन का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पढ़िए और जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर सातवें का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन, मैं एक बार पढ़ देता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा दिया जाता है? जल्दी बताइए। पीडीएफ कल के वीडियो में डाल चुके हैं बाबू सिंह जी, कल के वीडियो में पीडीएफ पढ़ चुकी है। अगर नहीं आप कल का वीडियो देखिए तो जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी पीडीएफ है और टेलीग्राम चैनल में भी पीडीएफ है ना। तो ध्यान रखना जो आर्थिक सर्वेक्षण की लिस्ट देता है या उसका ब्यौरा देता है सर, वो वित्त मंत्रालय देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। काफी आसान सा क्वेश्चन है और कई बार आने वाला क्वेश्चन है। पढ़िए और जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आठवां, सॉल्व कीजिए, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आठवें का करेक्ट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में मूल्यह्रास को घटाइए, मतलब उसकी कटौती करने के बाद सकल घरेलू उत्पाद का शुद्ध रूप जो बचता है उसको क्या कहते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यार, सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में से आपका मूल्यह्रास घटाते हैं, मूल्यह्रास घटाते हैं तो आपको पता है क्या मिलता है? मिलता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एनडीपी, तो एनडीपी मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना अगर जीडीपी में आपका घटाया जाए आपका मूल्यह्रास, तो एनडीपी मिलता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्लियर है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां, हाँ भाई सॉल्व कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी। बताइए इस नौवे का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए जल्दी से। एनडीपी, बिल्कुल बिल्कुल एनडीपी होगा, बहुत सारे लोगों ने एकदम सही दिया। नौवे बताइए, भारत में एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। देखिए भाई केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको बताना है कि कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सब केंद्र शासित राज्य है। केवल और केवल जो त्रिपुरा होता है सर वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है सर, वो नॉर्मली प्रदेश है, राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही सर केंद्र शासित राज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दसवां सॉल्व कीजिए, ये भी बहुत आता है, छोटे छोटे एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, सॉल्व कीजिए। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 22.5 डिग्री होती है। तो जो 22.5 डिग्री
आपका भारतीय मानव समय की देशांतर रेखा है वो किस नगर से होकर गुजरती है? जल्दी बताइए किस नगर से होकर गुजरती है? दसवें का आंसर देना है आपको। नागपुर से होकर जाती है, दिल्ली से होकर जाती है, पटना से होकर जाती है, इलाहाबाद से होकर जाती है? जल्दी बताइए, दसवें का टेट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है, इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास पड़ता है नैनी। ये नैनी जो है पूरे भारत का कह सकते हो, ये जो चौड़ाई होती है उसका बीच वाला पॉइंट होता है, यहीं से जाती है 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कीजिए और बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी, साथ साथ जो लोग वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं वो ऊपर एक लिंक दी गई होगी, उसमें क्लिक करके आप यूट्यूब पर आ जाइए या फिर रेलवे पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब में जाके, है ना। और डेली मेरी क्लास चलती है ठीक 3 बजे, ठीक 5 बजे, ठीक। चलिए सॉल्व कीजिए, कूडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 11वें का, है ना। कूडलकुलम ये आता भी है और बच्चों को भूलता भी है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु, वो है तमिलनाडु। तो ध्यान रखना कूडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। तो 11वें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तमिलनाडु। गलती मत कर देना, ना आंध्र प्रदेश सही है ना कर्नाटक, तमिलनाडु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन में कई सारी बातें अभी और छुपी हुई है। बढ़ते ही जल्दी से, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा बताना है आपको किस राज्य में स्थित है। 12वें का आंसर दीजिए जल्दी सब लोग, है ना। रोहतांग दर्रा, है ना। तो पता होना चाहिए कि जो रोहतांग दर्रा है उसी दर्रे में अभी अटल सुरंग बनी है। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में बनी है और किस पर्वत श्रेणी में बनी है? तो आपका आंसर होगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अटल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और पूछा जाए कि ये किस राज्य में है आपका रोहतांग दर्रा, तो सर ये हिमाचल प्रदेश में है। तो टेट आंसर हो जाएगा 12वें का बी, है ना। लेकिन जो मैंने बातें बताई उनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कीजिए और बताइए 13वें का करेक्ट आंसर, सटीक आंसर क्या होना चाहिए आपके सामने। ये लहा जल्दी से आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, है ना। तो आप थोड़ा गौर से देखिए, पेरिज, पंपास, स्टेपीज, वेल्ड, सर ये सारे के सारे घास के मैदान हैं और ये उनके क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइए 13वें का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। सॉल्व कीजिए जल्दी से, राष्ट्रीय मैदान सारे याद कर लो, छोटी छोटी चीजें हमेशा याद रखा करो, राष्ट्रीय मैदान हमेशा याद होने चाहिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऑस्ट्रेलिया लिखा है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है घास का मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है? बाउंस, बाउंस मतलब डाउंस, हाँ ठीक है, ये डाउंस। बताइए जरा, मैं करेक्ट हूँ नहीं करेक्ट हूँ? डाउंस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जल्दी बताइए ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान कौन सा होता है? डाउंस होता है, वेल्ड नहीं होता। अच्छा वेल्ड कहाँ पाया जाता है? सर वेल्ड का मतलब हो गया जोड़ना, और एशिया और यूरोप, हाँ एशिया और यूरोप के जो बीच का क्षेत्र होता है ना वहाँ पाया जाता है वेल्ड, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं याद कर लीजिए। तो सर ये गलत है, और गलत वाला ही पूछा जा रहा था इसलिए ये सही है आपका, ठीक। चलिए हाँ मैंने लिख दिया डाउंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके सामने। ये रहा स्क्रीन पर, सॉल्व कीजिए सारे के सारे घास के मैदान याद कर लो, सारे के सारे घास के मैदान याद कर लो। वेल्ड यार अफ्रीका में नहीं होता, वेल्ड क्या है? एशिया, सॉरी यूरोप और एशिया के जो बीच में चिपका हुआ भाग होता है, यानी उसको जोड़ने वाला भाग होता है, लगभग वहीं पाया जाता है वेल्ड, है ना, ध्यान रखना इस बात को। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? आपको पूछा आ रहा है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर की लंबाई वंबाई भी याद कर लेना, स्वेज नहर का निर्माण किसने कराया था, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। तो ध्यान रखना जो स्वेज नहर जोड़ती है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी स्वेज नहर, क्लियर है ना। तो स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है जरूर याद कर लेना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है। अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत महंगा क्वेश्चन भी है। सागौन, सागौन की लकड़ी सबसे ज्यादा महंगी होती है। तो पूछा आ रहा है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में, निम्न में से किस में सागौन के वन पाए जाते हैं?
सार्डोन के वन कहाँ पाए जाते हैं बताइए, सार्डोन के वन कहाँ पाए जाते हैं। सार्डोन सबसे ज्यादा मैनी लकड़ी होती है और ये एक ऐसी लकड़ी होती है जिसमें दीमक वीमक नहीं लगता, ये ध्यान रखना। तो सार्डोन के जो वृक्ष हैं या यूं कहिए कि उसके जो वन है वो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं उसके मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना सार्डोन के जो वन है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। क्लियर है ना? तो सार्डोन के वृक्ष ज्यादातर पाए जाते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में। क्लियर? 15वें का डी नहीं है कर्नाटक, 15वें का ए है मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कीजिए भाई साहब। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आपको बस आंसर को फोकस रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और बताइए कि 16वें का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए एक बार, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं आप लोगों को। किसी मीनार से एक बॉल नीचे छोड़ी जाती है, मतलब कोई मीनार है उससे आपने एक बॉल नीचे छोड़ी है, तो छोड़ी है तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग जो होगा सर उस समय जीरो होगा क्योंकि छोड़ी है। और ठीक उसी समय दूसरी बॉल क्षैतिज दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से फेंकी जाती है। उसी समय एक और बॉल है इसको क्षैतिज दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आप फेंकते हो। ठीक है, वेरी गुड। फिर बोला जा रहा है कि बताइए जमीन पर कौन सी बॉल पहले पहुंचेगी। सर पहली वाली बॉल पहले पहुंचेगी थी, दूसरी वाली बॉल पहुंचेगी थी, दोनों बराबर समय पहुंचेगी। जल्दी करो भाई, जल्दी बताइए। तो हुआ क्या, मैं आपको बता दूं, बॉल का नीचे आना ये नीचे वाली वेलोसिटी मतलब वर्टिकल वेलोसिटी है। तो यहां पहले वाले केस में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो और दूसरे वाले केस में देखिए पिंड को आपने हॉरिजॉन्टल फेंका है, इसका मतलब ये वाले केस में भी शुरुआत में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ही रहेगी और नीचे आना तो वर्टिकल वेलोसिटी से होता है ना। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों की शुरुआती वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, इसी वजह से दोनों की दोनों बॉल एक साथ पहुंचेगी, दोनों एक साथ पहुंचेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये, जब क्वेश्चन आता है तो मोस्टली लोग गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा दोनों एक साथ पहुंचेगी क्योंकि दोनों की जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी सर शुरुआत में सर वो जीरो होगी, है ना। तो 16वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों एक साथ। बहुत सारे लोगों ने बी दिया था, है ना, तो जिन्होंने गलती की है वो सारे लोट सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये रहा आपके सामने, सॉल्व कीजिए जल्दी से, शेयर वेयर करते रहिए जल्दी से। जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया जल्दी जल्दी शेयर करते रहिए। मैं डेली 40 क्वेश्चन लेके आता हूँ, 40 वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जीटी जीएस के, जिसमें जनरल साइंस भी रहती है, करंट भी रहती है, सारी चीजें रहती है और वही पैटर्न रहता है जो रेलवे में पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। सॉल्व कीजिए जल्दी से। 17वां, गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा। अच्छा यांत्रिक ऊर्जा पता है किसको बोलते हैं? सर यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं उसको जिसमें आप लोग गतिज ऊर्जा भी ले लो और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी ले लो। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो भाई साहब इन्होंने कहा गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, सर ये हमेशा नियत रहती है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिराया जाएगा ना तो गति बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, बट तो दोनों का जो योगफल रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, है ना। जितने भी लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो लास्ट में मुझे कमेंट जरूर दिया करिए, फीडबैक जरूर दिया करिए। मैं बार बार वही बात बोलता हूं, जितने भी लोग यहाँ लाइव तो बहुत सारे लोग आते हैं ये मुझे पता है, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, है ना, कमेंट किया करिए भाई। अगर आपके मन में मेरे लिए जरा सी भी धैर्य दिली है, जरा से भी प्यार है तो कमेंट जरूर किया करिए, उसको दिखाया कीजिए कितना प्यार है आपके मन में। फलों का मीठा रस मीठा स्वाद किसके कारण आता है, बताना है कि फलों का जो मीठा स्वाद है वो किसके कारण आता है। 18वें का सही आंसर दीजिए जल्दी सब लोग, है ना। तो फलों का जो मीठा स्वाद है वो ध्यान रखना फ्रक्टोज की वजह से आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फ्रक्टोज। तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज की वजह से आता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन मैं फिर से लेके आया हूं, इसलिए लेके आया हूं ताकि ये क्वेश्चन को फिर से आप समझ लो। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है लेकिन इस बार फिर से लेके आया हूं ताकि आप चीजें सही समझिए और रट लीजिए उन चीजों को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी आ रही है, तो ऑप्शन में देखिए थायराइड भी है, यकृत भी है। तो मैंने आपको बताया था जब यकृत हो तो आपको पहले यकृत ही लगाना है, और थायराइड, अरे यकृत नहीं होता तो सही आंसर फिर थायराइड होता। तो ध्यान रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है सर वो यकृत है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20
सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए जल्दी सब लोग, है ना, देखिए जल्दी से सब लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन अगर आपको याद रखने हैं तो बहुत आराम से आप इसको याद कर लो कि जल में हमेशा बच्चे डूब जाते हैं, बच्चे डूब जाते हैं। और बच्चे डूब जाने का मतलब यह है कि सर जो बी और सी होगा यानी बच्चे होगा वही जल में डूबेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो बच्चे जल में डूब गए यानी बी और सी। तो बी और सी ध्यान रखना, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये रहा आपके सामने, पढ़िए जल्दी से सब लोग, पढ़िए 21 को पढ़िए। अब देखिए 21 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 ये है, सुपारी के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो सुपारी का जो खाने योग्य भाग होता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी भ्रूणपोष। तो जो भ्रूणपोष होता है वही सुपारी का खाने योग्य भाग होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुपारी का खाने वाला भाग भ्रूणपोष होता है, याद रखना, है ना। जो सुपारी आपने देखा होगा यार गांव वगैरह में ऐसे काट काट के जो सरौता होता है उसे काट काट के खाते हैं, तो वो भ्रूणपोष के भाग को ही खाते हैं, ऑप्शन नंबर कह सकते हो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉल्व कीजिए भाई 22 सॉल्व कीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पढ़िए भाई सब लोग जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपसे पूछा जा रहा है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो जो सर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है। अब आपको करना क्या है कि वीडियो को शेयर वेयर भी करते रहिए, साथ साथ जो लोग वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं वो ऊपर लिंक दी रही होगी उसमें क्लिक करके जल्दी से यूट्यूब में आ जाइए, है ना। डेली मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ जो कि पूरा का पूरा रेलवे ओरिएंटेड होता है। सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। किस सरकार ने राज्य संचालित तमाम मदरसों को बंद करने का ऐलान दिया? तमाम मदरसों को बंद करने का ऐलान है पूछा जा रहा है, बताइए बंद करने का ऐलान किस राज्य सरकार ने दिया है? तो ध्यान रखिएगा अभी असम गवर्नमेंट है, असम गवर्नमेंट ने ये कह के सारे मदरसे बंद कर दिए कि अगर वो मदरसों को खोलने के लिए अपनी तरफ से फंड देंगे तो मंदिरों को और बाकी गिरजाघरों को भी तो फंड देना चाहिए। ये कह के सारे जो मदरसे थे उन्हें बंद कर दिया जो राज्य संचालित थे, राज्य संचालित मतलब जिनका संचालन राज्य की तरफ से चलता था वो सारे बंद किए हैं। ये मत सोच लेना कि सारे जो खुद के पैसे खर्च हो रहे हैं वो भी बंद कर दिए गए, राज्य संचालित तमाम मदरसे बंद किए गए असम गवर्नमेंट ने, क्लियर है ना। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कह सकते हो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, आने वाले एग्जामों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जरूर जाएगा, ये तो श्योर है। पढ़िए जल्दी से और जवाब दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चैट क्यों नहीं आ रहा है, देखो। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 24 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अक्टूबर 2020 की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के इस साल भारत की GDP का क्या अनुमान लगाया है? मतलब IMF ने इस साल भारत की GDP का क्या अनुमान लगाया है, क्लियर है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है -10.3%। तो IMF ने अभी नहीं आया, ठीक है, तो -10.3% ये IMF ने भारत की कह सकते हो 2020 में GDP का अनुमान लगाया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 भाई साहब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2020 के लिए भी पूछा जाता है, 2019 के लिए पूछा जाता है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है? अच्छा, ब्लू फ्लैग का दर्जा किनको दिया जाता है? जितने भी हमारे समुद्री तट होते हैं, समुद्री तट में जो तट एकदम स्वच्छ और क्लीन होते हैं तो उनको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। तो 2019 में
भारत के 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मिला था, लेकिन 2020 में केवल और केवल 8 समुद्री तटों को ही ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन यदि यही क्वेश्चन 2019 के लिए पूछा जाता तो ध्यान रखना 2019 में 12 कह सकते हो तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है ना, तो 2019 के लिए पूछा जाता 12, लेकिन 2020 के लिए पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कह सकते हैं 8। क्लियर है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कीजिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ए कंपन स्ट्रेंथ के, कंपन स्ट्रेंथ, कंपन स्ट्रेंथ का मतलब होता है वाइब्रेटिंग रॉड या वाइब्रेटिंग स्ट्रेंथ, है ना। तो एक वाइब्रेटिंग स्ट्रेंथ मतलब कंपन स्ट्रेंथ के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोगी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से अधिकतम मापी हाइड्रोमीटर, सर्वो नमी मापता है, ये कहां से माप पाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनोमीटर। जो सोनोमीटर होता है सर वही वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, तो वाइब्रेशन को मापना या वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का काम सर सोनोमीटर का होता है। बाकी बैरोमीटर हाइड्रोमीटर के बारे में आप सबको पता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से भाई सब लोग पहले वीडियो को शेयर वेयर करते रहिए, शेयर वेयर करते रहिए जल्दी सब लोग। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। आप मुझे डेली अपना 30 मिनट दीजिए, डेली आपका 30 मिनट दीजिए, मैं ये जो 40 क्वेश्चन है ये आपको सुधार दूंगा। आप लोग मैथ में 30 में 30 कर सकते हो, रीजनिंग में 30 में 30 कर सकते हो, लेकिन जो 40 क्वेश्चन की जीटी जीएस है ना, अगर ये नहीं आती तो आप नहीं कर पाओ डेट भी। और ये तभी आएगी जब प्रैक्टिस डेली होगी। इसलिए डेली प्रैक्टिस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं 30 मिनट में अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन जीटी जीएस सॉल्व कराता हूँ। इसमें मैं सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट। ऐसा किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई। पढ़िए, किसी वस्तु का जो भार है वो अधिकतम कब होता है, तो अधिकतम भार उसी समय हो सकता है जब ऊपर की ओर लगने वाला बॉयंसी फोर्स सबसे कम हो या फिर जीरो हो। और ये तभी पॉसिबल है जब वस्तु आपकी वैक्यूम में हो। तो ध्यान रखना वैक्यूम में हमेशा, ऐसा भी ये बताइए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे नीचे की ओर कौन सा बल काम करता है, टॉर्क भार, ऊपर की ओर कौन सा बल काम करता है, बॉयंसी फोर्स। तो इस वस्तु का अधिकतम भार उसी समय हो सकता है जब ये बॉयंसी फोर्स जीरो हो। और बॉयंसी फोर्स यानी उत्प्लवन बल तभी जीरो हो सकता है जब वस्तु निर्वात में हो, वैक्यूम में हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कीजिए, बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए जल्दी से सॉल्व कीजिए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पुराने हो चुके हैं और आ भी जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। पॉजिट्रॉन जरूर याद कर लो कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। जल्दी बताइए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, है ना। तो पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी सर वो की थी एंडरसन ने, एंडरसन ने ही पॉजिट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, है ना। और पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज किसने की थी, मिलिटन ने की थी, है ना। ये सब बातें याद कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। परमाणु रिएक्टर, बात यहां पर परमाणु रिएक्टर की जा रही है कि बताइए परमाणु रिएक्टर उदाहरण होता है कंट्रोल फ्यूजन का, मतलब नियंत्रित विखंडन, अनकंट्रोल फ्यूजन, अनियंत्रित विखंडन, अनकंट्रोल फ्यूजन। अच्छा, ये फिर से अनकंट्रोल फ्यूजन लिख दिया इन्होंने। यहां फ्यूजन नहीं होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था अनकंट्रोल, और जो एडिशन होता है नाभिकीय संलयन वो लिखा होना चाहिए था, अनियंत्रित संलयन, नियंत्रित संलयन। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए, तो भाई साहब परमाणु रिएक्टर में हम लोग बिजली बनाते हैं जिसकी वजह से सर ये नियंत्रित होगा, लेकिन उसमें यूरेनियम के जो तत्व होता है उसको विघटन कराते हैं, मतलब उसको फ्यूजन कराते हैं। तो यूरेनियम 235 का हम लोग फ्यूजन कराते हैं, है ना। तो कह सकते हो विखंडन कराते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ, अगर ये परमाणु रिएक्टर ना लिखकर यहां पर लिखा होता परमाणु बम, अरे यहां परमाणु रिएक्टर ना लिखकर परमाणु बम लिखा होता तो अब इसका करेक्ट आंसर होता अनियंत्रित विखंडन। लेकिन सर इन्होंने परमाणु रिएक्टर बोला है ना। बताइए अपने भारत में जितने भी परमाणु रिएक्टर है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो कंट्रोल फ्यूजन होता है।
मतलब नियंत्रित विखंडन होता है। तो इस बात को याद रखना, अगर परमाणु रिएक्टर है तो नियंत्रित विखंडन यानी कंट्रोल फ्यूजन बताना है आपको, अगर आपका परमाणु बम की बात की जा रही है तो अनकंट्रोल फ्यूजन बताना है। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा, पढ़िए जल्दी से। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने गलत कर दिया था उसको। इसलिए समझिए कि सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा किया है। किस सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% है ना, तो महिलाओं को 33% आरक्षण का जो वादा किया है सर, वो वादा किया है पंजाब की सरकार ने। पंजाब की सरकार में ये विधेयक पास हो चुका है कि महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब में 33% आरक्षण मिलेगा, है ना। उत्तर प्रदेश में 33% नहीं है यार, उत्तर प्रदेश में 33% नहीं है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है, सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सॉल्व कीजिए। ये रहा आपके सामने, सॉल्व कीजिए जल्दी, बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या। ये अभी अभी चेंज हुए है ना, सॉल्व कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। तो बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन होगी वो ऑप्शन नंबर बी और सी में होगी, है ना। तो जल्दी बताइए, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है, और इसका मुख्यालय भी सुन लीजिए। प्रेस सूचना ब्यूरो का जो मुख्यालय होता है सर वो न्यू दिल्ली में है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसके जो नए महानिदेशक चुने गए हैं सर, उनका नाम है के एस धतवालिया, कुलदीप सिंह धतवालिया, ये इसके महानिदेशक है। 28वें महानिदेशक है, ध्यान रखना ये 28वें हैं। और इससे पहले जो 27वें थे वो थे सितांशुकर, तो ये 27वें महानिदेशक थे, लेकिन ये इनका स्थान ही लिया है कुलदीप सिंह धतवालिया ने। क्लियर है ना, तो ये बात याद रखना, इस समय जो है वो कुलदीप सिंह धतवालिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई साहब, सॉल्व कीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये मिसाइल केवल हम लोग के पास है, इसलिए क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मतलब इन शॉर्ट वो DRDO की बात कर रहा है। तो DRDO द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सतह से सतह हमले करने के संचरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल का सतह से सतह का जो परीक्षण है, सफलतापूर्वक परीक्षण, वो किस राज्य में किया है, किस जगह में किया है सर? विशाखापट्टनम में किया है, कोच्चि में किया है, बालासोर में किया है, बेंगलुरु में किया है, मतलब आंध्र प्रदेश में, केरला में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना ये जो परीक्षण किया गया है सर, ये किया गया है उड़ीसा में, बालासोर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा, क्लियर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33, सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पढ़िए जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से फटाफट वीडियो को यार शेयर वेयर करते रहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान मिला, मतलब जो 2020 में अभी स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, 28 दिन चला था टोटल, तो पूछा आ रहा है कि बताइए राजधानियों में सबसे पहला राजधानी कौन सी बनी है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होनी चाहिए, 32 का करेक्ट आंसर दीजिए। लखनऊ नहीं बनी यार, लखनऊ को कुछ लोग तो कह रहे हैं हम यूपी में रहते हैं, चलो लखनऊ लगा दो, हद है यार, जल्दी बताइए। हाँ तो सुनिए, राजधानी के मामले में सबसे पहले नंबर पर रही है दिल्ली, सबसे स्वच्छ जो राजधानी घोषित हुई है उसका नाम है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, इंदौर लगातार चौथे नंबर पे आई है, लगातार जो है 4 बार से पहले नंबर पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33, ये हो चुका।
क्वेश्चन नंबर आ जाइए जल्दी से 34। हाँ भाई सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये रहिए सॉल्व कीजिए, बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। भोपाल है नहीं है, भोपाल को फिर भी बता रहे हैं, हद है यार। सॉल्व कीजिए, उस अभिनेता का नाम बताइए जो फिल्म शोले में कालिया की भूमिका निभाया था, याद है ना फिल्म शोले, तो फिल्म शोले में कालिया की भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम पूछा आ रहा है, बताइए उस अभिनेता का क्या नाम है, जरूर पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए भाई। फिल्म आपका शोले में कालिया की भूमिका निभाने वाले, बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना फिल्म शोले में जिसने कालिया की भूमिका निभाई थी उसका नाम था विजू खोटे, तो विजू खोटे ही कह सकते हो फिल्म शोले में कालिया की भूमिका निभाया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विजू खोटे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, सॉल्व कीजिए और बताइए 35 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। हाँ भाई ये भी अभी करंट का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में भारत का नौसैनिक अभ्यास इंद्र, भारत का नौसैनिक अभ्यास इंद्र किस देश के साथ मिलकर किया गया है, बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मतलब 4 से 5 सितंबर 2020 में ही जो नौसैनिक अभ्यास इंद्र हुआ है वो किस देश के साथ हुआ है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या, अमेरिका। अरे यार थोड़ा देखो तो बंगाल की खाड़ी में हो रहा है ना, बंगाल की खाड़ी में ये अमेरिका वगैरह नहीं आते, बहुत दूर है ना, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर है रूस, तो रूस के साथ ही इंद्र 2020 का कह सकते हो अभ्यास किया गया है बंगाल की खाड़ी में, क्लियर है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये रहा आपके सामने है ना, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बिहार और आसपास के जो आपका राज्य उनके लिए तो आसान है, लेकिन और जो दूसरे स्टेट है कर्नाटक वाले केरल वाले उनके लिए क्वेश्चन कठिन है, सॉल्व कीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सॉल्व कीजिए। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से थे, अमर सिंह का निधन हुआ तो बताना है वो किस राजनीतिक दल से थे, है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सॉल्व कीजिए। अरे वाह कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी, अरे क्या कह रहे हो यार अमर सिंह, अरे उसका क्या बोलते हैं क्या यार तुम बताओ उसको, बीजेपी बता दिया, हद है यार। माधव आप्टे का हाल, माधव आप्टे का हाल ही में निधन हुआ है, बताइए वो किस खेल से जुड़े हुए थे, माधव आप्टे बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, तो पूछा जा रहा है बताइए वो किस खेल से जुड़े हुए थे, टेनिस से जुड़े हुए थे, क्रिकेट से, फुटबॉल से, शतरंज से, माधव आप्टे की बात हो रही है, ध्यान रखना बताइए उनका जो निधन हुआ है वो किस खेल से जुड़े हुए थे, तो जो माधव आप्टे थे ध्यान रखना वो जुड़े हुए थे क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्रिकेट, तो माधव आप्टे क्रिकेट से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है ना, फुटबॉल से नहीं, हाँ फुटबॉल से भी एक खिलाड़ी का अभी निधन हुआ है, मैं आपको नाम बता दूं शायद याद आ जाए मुझे, हाँ याद आ गया, चुन्नी गोस्वामी, चुन्नी गोस्वामी, चुन्नी गोस्वामी, चुन्नी गोस्वामी का भी निधन हुआ है, लेकिन वो जुड़े हुए थे फुटबॉल से, लेकिन माधव आप्टे पूछा जा रहा है सर, माधव आप्टे जुड़े हुए थे क्रिकेट से, है ना, चुन्नी गोस्वामी जरूर नाम याद रखना, काफी फेमस है फुटबॉलर थे अपने जमाने के, चुन्नी गोस्वामी ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये रहा आपके सामने, सॉल्व कीजिए बताइए जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल, चुन्नी गोस्वामी क्रिकेट से थे और माधव आप्टे चुन्नी गोस्वामी फुटबॉल से थे और माधव आप्टे क्रिकेट से थे, जल्दी बताइए 38 का करेक्ट आंसर दीजिए। फिल्म गली बॉय के निर्देशक कौन है, जिसे जिन्हें भारत से ऑस्कर 2020 फिल्म पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेटेड किया गया था, बताइए जल्दी से गली बॉय के निर्देशक कौन थे, जल्दी बताइए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब क्योंकि ये 2020 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी फिल्म, तो बताइए गली बॉय के निर्देशक कौन थे, तो ध्यान रखना गली बॉय के जो निर्देशक थे उनका नाम है जोया अख्तर, यही आपके गली बॉय के निर्देशक थे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व कीजिए, बताइए
वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो और फिर आंसर देना ध्यान से। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए भाई सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का प्यार ही तो मुझे जिंदा बनाए, जाने तब नहीं तो मैं दुनिया छोड़ दिया होता। क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ष 2019 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का या विश्व शांति दिवस का विषय क्या था। पहली बात तो इन्होंने जो पूछा है सर वो 2019 के लिए पूछा है, इस बात को ध्यान रखना, 2020 के लिए नहीं पूछा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय जो शांति दिवस मनाया जाता है 2019 में, उसका आपसे विषय पूछा जा रहा है कि बताइए उसका विषय क्या होना चाहिए। तो पहले तो आप मुझे ये कमेंट कीजिए कि अंतरराष्ट्रीय या फिर आपका राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो वो शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, लेकिन इन्होंने बात 2019 की है, 2020 की नहीं की है। कई बार मैं आपको शुरू से यही बात बोल रहा हूं, आपको अगर करंट अफेयर में तगड़ा कमांड करना है या फिर आप चाहते हो कि आपका पेपर अच्छा जाए, तो आपको 2019 और 2020 दोनों की करंट अफेयर एक साथ याद रखनी है। 2019 में जो था अब 2020 में क्या है, तो ध्यान रखना 2019 में जो आपका अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया था, उसका जो मेन आपका कह सकते हो वो था, आपका मोटो था, मेन विषय जो था वो था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस यानी शांति के लिए जलवायु कार्रवाई, शांति के लिए जलवायु कार्रवाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। क्लियर है ना, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 40, सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत सारे लोग याद हो रहा है यार, ये बहुत सारे लोग खेल भी खेलते हैं ना इस चीज का। क्वेश्चन है ड्रीम इलेवन में कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे हैं। आप देखते होंगे ड्रीम इलेवन का प्रचार मिलता है ना, ड्रीम इलेवन का प्रचार आईपीएल 2020 में मिलता है, तो पूछा जा रहा है कितने करोड़ रुपए में यह स्पॉन्सरशिप खरीदी है, बताइए जल्दी से। 122 करोड़ में, 322 करोड़ में, 282 करोड़ में, 222 करोड़ में, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या है 40 का, बोलिए जल्दी से करेक्ट आंसर, बहुत ध्यान से सुनना है ना। अच्छा कितने कितने रुपए में स्पॉन्सरशिप खरीदी याद कर लो, अन अकेडमी ने भी खरीदी है तो उसने कितने रुपए में खरीदी ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 222 करोड़, 222 करोड़ आईपीएल 2020 में ड्रीम इलेवन में जो स्पॉन्सरशिप खरीदी है यानी प्रचार के लिए स्पॉन्सरशिप खरीदी है वो खरीदी है 222 करोड़ में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 222 करोड़। क्लियर है ना, चलिए तो आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब मुझे जरूर बताइए कमेंट में कि आपका स्कोर कितना रहा आज के सेशन में, आपका स्कोर कितना रहा, साथ साथ ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। क्लियर, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करते रहिए, अगर आप चाहते हैं कि डेली मैं यही 40 क्वेश्चन आपके लिए लाऊं और आपके जीटी जीएसटी प्रैक्टिस को इंप्रूव करता रहूं, तो आप लोग को वीडियो शेयर भी करना है, साथ साथ अपना स्कोर को और अच्छा बनाने के लिए डेली पढ़ते जाइए। जैसे कि आज मैंने आईपीएल से 2-3 क्वेश्चन उठाए तो पूरा आईपीएल याद कर लो, हो सकता है कल के दिन मैं आईपीएल से फिर से एक क्वेश्चन दे दूं, है ना, ऐसी तैयारी की जाती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।